हेलो फ्रेंड्स, रतन सोम किचन गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ आपको हमारे किचन गार्डन का पिच प्लांट, पिच फ्रूट्स, मैंने आड़ू, जिसको हिंदी में आड़ू बोलते हैं, आड़ू का हमारे पास प्रभात वैरायटी है और इसमें पिछले लास्ट ईयर से वो शानदार फ्रूटिंग हो रही है। तो ज़बरदस्त फ्रूटिंग हो रही है इसके अंदर, अब की बार भी इसमें शानदार फ्रूटिंग हुई है तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, देखिए कितनी शानदार फ्रूटिंग हो रही है, फ्रूटिंग है, देखिए कि फ्रूट सेट हुए हैं, देखिए साइज़ भी अच्छी हो गई इनकी, ये देखिए। अभी तो ये मैंने आपको बादाम के जैसे हैं, ये भी शेप इसकी, अभी इसमें आड़ू जैसा कुछ भी नहीं लग रहा है, देखिए हर जगह इसके अंदर मतलब फ्रूट ही फ्रूट है। लास्ट ईयर बहुत सारे हमारे पास फ्रूट आए थे इसके अंदर, करीब 15 किलो आए थे लास्ट ईयर, हमने वेट भी किया था, 12 किलो के आसपास आए थे और अब की बार भी उससे ज़्यादा की संभावना है। ये देखिए, क्योंकि ये देखिए आप जगह जगह इसके अंदर फ्रूटिंग अच्छे से सेट हुई है, यहाँ देखिए आप, ये देखिए। ऐसा कोई ब्रांच नहीं है जहाँ पे फ्रूट नहीं लगे हुए हों, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मेरा तो यही कहना है कि आपके पास यदि जगह हो तो अपने गार्डन के अंदर, अपने घर में इस प्लांट को आप ज़रूर से ज़रूर लगाएं। ज़्यादा इसमें केयर की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, आसानी से ये लग जाता है। 250 रुपये का आता है ये ग्राफ्टेड प्लांट और इसकी वैरायटी का आपको भी स्पेशल ध्यान रखना है कि जो हमारे राजस्थान में हॉट क्लाइमेट एरिया जो है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दक्षिण भारत है, यहाँ पे जो इस तरह के वैरायटीज़ हैं जो गर्म क्षेत्रों में उग सकता है, सर्वाइव कर सकता है, उन्हीं को आप लगाएं। पंजाब जो में लगते हैं, पंजाब में वो वैरायटियाँ, ये सारी आप लगा सकते हैं, आपको नर्सरी वाले बता देंगे कि कौन सी वैरायटी आपके यहाँ सूटेबल है। ये देखिए दोस्तों, और आड़ू की मैं एक बता दूं कि लगभग इसका जो मार्केट में प्राइस रहता है वो 100 रुपीज़ के आसपास रहता है, उससे कम कभी भी नहीं होता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस प्लांट को लगाएं। थैंक यू वेरी मच, और भी जो अपडेट होंगे वो आपको मैं देता रहूँगा। ये देखिए कितने सारे आड़ू लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। अभी साइज़ छोटी है इसलिए वो ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, पर थोड़ा बड़ा होगा जब उसका अपडेट आपको ज़रूर से ज़रूर दूंगा मैं। देखिए